प्रयागराज की ओर ले चलते हैं, जहां प्रधानों एवं पंचायत सदस्यों को दिलाई गई गोपनीयता की शपथ। जी हां, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के क्रम में शुक्रवार के दिन ग्राम प्रधानों व निर्वाचित पंचायत सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वाले प्रधान शनिवार से गांव के विकास के लिए जुट जाएंगे। विगत दिनों संपन्न हुए चुनाव में अधिकांश गांव में दो तिहाई पंचायत सदस्यों के ना चुने जाने के कारण प्रधानों के पद की शपथ लेने में अड़चन आ गई। विगत दिनों पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ और शुक्रवार के ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई गई। ग्राम सभा जसरा कन्या पाठशाला जसरा नई बाजार में शुक्रवार को नवनियुक्त प्रधान एवं सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की ऑनलाइन शपथ सचिव राजीव मिश्रा के निर्देशानुसार रोजगार सेवक देवानंद ने दिलाई। उक्त अवसर पर पूर्व प्रधान प्रतिनिधि महेंद्र केशरवानी एवं गांव के अन्य संभ्रांत लोगों में शंकर लाल गुप्त, राम बाबू यादव, संजय सोनकर, बबोल सोनकर, महेंद्र सोनकर, शिव कुमार सोनकर, रघु सोनकर, सुशील सोनकर, राम केशरवानी, नीरज केशरवानी, सतीश केशरवानी, शालू केशरवानी, नंदू केशरवानी, अशोक सोनकर, धर्मेंद्र कुशवाहा ने नवनियुक्त प्रधान आशीष सोनकर व सदस्यगण में सुशील कुमार केशरवानी, विपिन यादव, सुनीता देवी, रविता देवी, सोनी सोनकर, राजेंद्र प्रसाद, नितिन कुमार, नितिन सिंह, प्रदीप कुमार, संजीव कुमार, अभयराज सिंह, नीतू केसरवानी, स्मिता केसरवानी, चंद्रकली, राधेश्याम ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। पंचायत सदस्यों को वर्चुअल शपथ के क्रम में SDM 12 सुभाष चंद्र यादव, ADO पंचायत प्रेम दास के नेतृत्व में सचिव राजीव मिश्रा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए राजेश सोनकर की खास रिपोर्ट। चौहान जी, आज ने आपने शपथ ग्रहण किया, इतना विलंब हुआ, इसका कारण क्या था? शपथ ग्रहण सदस्य न होने के कारण विलंब से हुआ। आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ मेरा पूरे सदस्यों के साथ। जैसा कि क्षेत्र की जनता आपको इस बार प्रधान बनाई, इनके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? जनता ने हमें जिनको भेजा ग्राम प्रधान के लिए, मैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूं और उनके कार्यों का हम पूर्ण रूप से निर्वाह करूंगा और जो आशा करके हमें चुने हैं मैं उन कार्यों पर खरा उतरूंगा।